जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे। फरहान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस फिल्म की शुरुआत हुई, बहुत नाम चर्चा में थे और काफी स्पेकुलेशन थी। फाइनली इट वॉज रिवील कि फरहान अख्तर वन ऑफ द फ्लाइंग सिख, और काफी अनयूजुअल सा चॉइस थी डायरेक्टर के हिसाब से। उनसे हम पूछेंगे फिर आपके बारे में, किस तरह से आपने चूज किया इस कैरेक्टर को प्ले करना। जी, मैंने तो बिल्कुल चूज नहीं किया। मुझे जैसे राकेश ने सुनाया कि ये फिल्म बन रही है, उसकी कहानी सुनाई, तो मैंने इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर अंदर उनसे कह दिया कि बस मुझे ये फिल्म करनी है। अब ये चॉइस कैसे हुई, उनके माइंड में कैसे आई, वो ये तो वो ही बताएंगे। चलिए सर, आप बताइए फिर, आपने फरहान को कैसे सिलेक्ट किया इस बेहद मुश्किल किरदार के लिए। आपका जो आप कह रहे हैं एकदम सही है। बहुत मुश्किल ही किरदार नहीं था, बहुत ही मुश्किल से भी आगे अगर कोई मायने हैं किसी शब्द के, क्योंकि एक 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 किरदार को अमर बनाना जो है ऑलरेडी, वो कोई आसान काम नहीं होता, और इसका कोई साइंटिफिक आंसर भी नहीं दे सकता मैं आपको, ये तो दिल से आवाज निकलती है। मिल्खा सिंह ने खुद ये बात की कि आप एकदम हूबहू उनकी जैसे लग रहे हैं, किस तरह से पूरी तैयारी हुई, पूरे 6-pack abs, you are almost on the all the time, 8-pack abs, sorry, 8-pack abs। हाँ नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मिल्खा जी को, उनके फैमिली को फिल्म से बहुत खुशी है, और सभी के काम से बहुत खुशी है, सिर्फ मेरे काम से नहीं। लेकिन ये ऑफ कोर्स एक जिम्मेदारी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ओर, कि मैं उन्हें ऐसा लगे कि जो काम हुई है, काम किया गया है इस फिल्म में, बहुत पूरे मेहनत के साथ वो काम हुआ है, और ये उस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जब उन्होंने फिल्म देखा तो उन्हें लगा कि बहुत उनका ही फिलॉसफी है, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, तो ऐसा उनको लगा जब उन्होंने फिल्म देखी कि ये हुआ है, और प्रसून के गले मिले, राकेश के गले मिले, और फिर मुझसे भी गले लगे, और उसके बाद कुछ कहने की शायद ज़रूरत नहीं थी। सोनम, मिल्खा सिंह का एक फिल्म था, उसका कैरेक्टर था ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो आपने किस क्या सोचकर इस फिल्म के लिए हाँ कही, और क्या कुछ है आपका कैरेक्टर क्या मायने में खास है इस फिल्म? मैं अपने कैरेक्टर की लेंथ के बारे में नहीं सोचती हूँ जब मैं फिल्म को, मतलब मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ये फिल्म करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ। आई थिंक कि ये फिल्म कैसी बनेगी, ये स्क्रिप्ट कैसा है, तो मुझे पता था कि प्रसून सर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी थी, और मैं मेहरा सर के साथ मैंने पहले भी काम किया, और मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छी फिल्म बनाएंगे। और ये किरदार जो था, एक छोटा सा हिस्सा था फिल्म का, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, और मुझे लगा कि व्हाई नॉट गिव माय सेल्फ अ लिटिल इम्पोर्टेंस एंड प्ले दिस कैरेक्टर। मिल्खा सिंह जी से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उनसे, उनके जितने भी उनके अचीवमेंट्स हैं उनको समझने का मौका मिला। मेरा थोड़ा ज्ञान कम था उस बारे में, तो इसके दौरान मेरा ज्ञान बढ़ा, स्पोर्ट्स के बारे में ज्ञान बढ़ा, पार्टीशन के बारे में मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई इस फिल्म को लिखने के दौरान, तो मुझे लगता है कि काफी एक एजुकेटिव एक्सपीरियंस रहा। सोनम, योर केमिस्ट्री विद फरहान, एंड यू सेड डायरेक्टर के साथ भी आपने पहले काम किया हुआ है, लेकिन फरहान के साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? केमिस्ट्री कैसी रही? फरहान नहीं, मिल्खा सिंह के साथ आपकी केमिस्ट्री? मिल्खा जी मुझे बहुत टीज कर रहे हैं पिछले एक दो दिन से, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना बना के कि ये मेरी गर्लफ्रेंड। मिल्खा जी के बारे में बात वेरी स्वीटली, बहुत ही मतलब जब भी मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये है, मेरा नाम हर बार गलत बोलते हैं, पर ये है सुमन कपूर, सोनम कपूर, ये मेरी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही है फिल्म में, ऐसे मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं। पर मेरे हिसाब से केमिस्ट्री जैसी ऐसी कोई चीज होती नहीं है। अगर सीन्स अच्छी तरह से लिखे गए हों और अगर एक्टर अच्छे ठीक परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये मेरा मानना है। फरहान, 100 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन है इंडियन सिनेमा का, एक अलग दौर है इस वक्त, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्में हो या अलग तरह की फिल्में, सभी को ऑडियंस मिल रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। बट यू हैव टू टेक से नहीं, बस मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि यही तो दैट्स द साइन ऑफ अ हेल्थी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, कि सभी तरह की फिल्में बने, कॉन्टेंट अलग अलग हो, सारे कॉन्टेंट को मतलब ऑडियंस मिले, रिलीज हों,
तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। बहुत ही मतलब एक एंगेजिंग कहानी है, मनोरंजन है इस फिल्म में, बहुत एंटरटेनमेंट है इस फिल्म में, और साथ में हमारे ख्याल से एक एक बहुत ही छुपा हुआ एक इंस्पिरेशनल मैसेज भी है, जो मेरी तो उम्मीद है कि लोगों तक पहुंचेगा इस फिल्म के जरिए।